पेज नंबर 311, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9, इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन, हाँ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो जब ऐसे दे रखा होता है तो आप ये देखिए कि मुझे इसमें क्या करना होगा कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, फिर वही मेथड लगाना है कि जैसे x स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, और ये वाला जो टर्म है इसमें टू मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड ये करना होगा। तो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स, टू इंटू एक्स एज इट इज हम लिख ही देते हैं, और फिर उसके बाद में क्या लिखें कि 6x आ जाए 3, तो 2 इंटू x इंटू 3। अब 3 का स्क्वायर ही ऐड करना है और 3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 13 ये है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जो इधर बचा ये क्या बचा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 13 माइनस 9 क्या हो गया 4, तो dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इट इज जस्ट लाइक dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर a कितना है 2 और x इज लाइक x माइनस 3, ठीक। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि tan इनवर्स एक्स माइनस 3/2 प्लस सी, समझ गए होंगे शायद, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट हो गया, उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है डीएक्स अपॉन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13x माइनस 10, ये है, ठीक है। तो एक चीज शुरू में ही बताई थी मैंने आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वन होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो इसको वन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 कॉमन लेना पड़ेगा, हाँ। तो आई इज इक्वल टू, ये डीएक्स है, डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 13/3 × x माइनस 10/3, ये हो गया। जैसे 3 कॉमन लिया है तो 3 एक कांस्टेंट है जिसको मैं इंटीग्रेशन से भी बाहर निकाल सकता हूँ, 1/3 इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ही लिख दो 2 × x, 2 × x तो लिख दिया। अब चाहिए 13/3 तो क्या लिखूंगा, 13/6, 13/6, तभी तो 2 × 3 = 6 और 13/3 बन जाएगा। बताइए भाई ऑनलाइन वाले क्लियर है ये कि नहीं, यस सर। ठीक है।
चलिए तो ये 13/6 आ गया। अब 13/6 का स्क्वायर ही आपको ऐड करना है और 13/6 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। 13/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 13/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और लास्ट में है -10/3। लगा दीजिए ब्रैकेट। अब देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस 169/36 और माइनस 10/3। अब इन दोनों को सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 6 और 36 और 3 का एलसीएम। एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर थोड़ा थोड़ा जोर से दबा दो, नहीं हो रहा वो बरसात की वजह से थोड़ा वैसा हो गया होगा। हो गया, चलो 36 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 इधर प्लस लिख लो और ये -169 यहाँ कर लो ऐसे। भाई ये भी माइनस, दोनों माइनस के हैं तो प्लस कर लो, या एक काम करो माइनस ले लो बाहर कॉमन, माइनस ले लो वहां बाहर कॉमन, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। ये प्लस का 169 हो गया प्लस 3 12 जा 36 और 12 इंटू 10 120। वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 169 प्लस 120 कितना हो गया 289/36 इतना हो गया। अब इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो इसको मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो 1/3 तो पहले से ही है बाहर, इसको तो बाहर ही रहने देंगे, 1/3 तो पहले से ही बाहर है और 1/2a यानी कि a यहां पर अब क्या 17/6 1/2 × 17/6 1/2a log mod x माइनस ए, x क्या है x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन x प्लस a। तो x प्लस 13/6 प्लस 17/6 और प्लस का c, तो 2 1 2 2 3 6 और 3 से ये 3 कट गया तो 1/17 बचा केवल। आई इज हाँ ना 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 ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है तो इसमें होता है log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसमें ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है और 1/2a दोनों में आता है और वन अगर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसमें 1/2a नहीं आता, उसमें केवल 1/a आता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो गया लॉग 13 - 17 कितना हो गया -4 एक्स -4/6 और नीचे 13 + 17 कितना हो गया 30 एक्स प्लस 30/6 प्लस सी।
आई इज इक्वल टू 1/17 लॉग, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x-4/6 और 6x+30/6, यहाँ 6 से 6 कट गया, ठीक है। नहीं तो दिमाग में ये आता था कि हम 6 5 30 करके x+5 भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। वन अपॉन 17 लॉग, ऊपर है 6x-4 तो 2 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, 3x-2, नीचे 6x+30, इसमें से भी 2 ले लो कॉमन, 3x+15, 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर है इसका, 1/17 log 3x-2/3x+15। सेकंड का आंसर एक बार चेक कर लो, 3x-2 x+5 कैसे बना दिया इन्होंने, सर 6 30 को 6 से डिवाइड कर दिया ना सर, 5 कर दिया पहले, हाँ 6x-4/6x+30, तो नीचे तो फिर 6, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो 6 गया कहाँ, यही तो है ना, तो ये इनका अच्छा ओके, इन्होंने लास्ट वाले स्टेप में एक काम और करा है कि 1/17 और log 1/3 ऐसे करा, log 1/3, कोई नहीं हमारा ठीक है। इन्होंने थोड़ा कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया इसको, इन्होंने क्या करा है कि यहाँ डिनोमिनेटर में से ना 3 कॉमन ले लिया, देखिए जरा, जैसे 3x+15 है तो डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लिया और लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगाकर वो माइनस करके उसको कांस्टेंट बनाकर अलग ले लिया, जरूरत नहीं है अपना, हमने जो करा है ठीक है बिल्कुल। बताइए क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट था, इसके बाद देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट भी दिया है। आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन अंडर रूट 5x2-2x, अंडर रूट 5x2-2x। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, फिर वही चीज है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशियंट 5 दे रखा है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये हटाना है, तो मैं अंडर रूट के अंदर ही पहले 5 कॉमन ले लूंगा, बिल्कुल। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन फाइव कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ क्या आ गया, x²-2x/5, ये हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि dx अपॉन, जैसे ये 5 है, हम जानते हैं कि अगर √a(√b) लिखा हुआ है कहीं पर, मान लो कहीं पर लिखा है √a(√b), √ab लिखा हुआ है, तो इसको √a(√b) अलग अलग स्प्लिट करा जा सकता है, ऐसे ही रूट के अंदर 5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई दिस ब्रैकेट, तो √5 को मैं अलग निकाल सकता हूँ, ऐसे √5 मल्टीप्लाइड बाई ये x²-2x/5, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अब √5 एक कांस्टेंट है, तो इसको बिल्कुल बाहर आप निकाल लो इंटीग्रल से, ठीक है, तो 1/√5 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखो x²-2 2x पहले लिखा जाता है, तो 2x मुझे पहले से ही मिल रहा है यहाँ पर, अब बचा क्या 1/5, ठीक है,
टू एक्स के अलावा क्या टर्म है? 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर ही हम ऐड करेंगे और 1/5 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस 1/5 का स्क्वायर ये ऐड कर दिया और -1/5 का स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देख लीजिए, और तो कोई कॉमन टर्म इसमें है ही नहीं कि कुछ और ऐड ऐड हमको करना हो, तो कुछ भी नहीं, इतना ही हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ap, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो i इज इक्वल टू 1/√5 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x -1/5 का होल स्क्वायर -1/5 का होल स्क्वायर। तो x -1/5 इज लाइक x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/5, भाई प्लस 1/5 तो इसके साथ ले लिया है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर x क्या है, x -1/5, और a क्या है, 1/5, ठीक। तो dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, 1/2a, नहीं, log लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया लॉग मॉड क्या होता है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है ना एक्स प्लस। तो एक्स तो नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ पर है एक्स माइनस 1/5, तो एक्स की जगह एक्स माइनस 1/5 आएगा। तो एक्स प्लस अंडर रूट, यही टर्म एज इट इज, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, ठीक है जी। अच्छा, ये करने के बाद में फिर इसमें ना इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन भी करा जाता है। आप ये देखिए कि अगर ये हम यहां तक पहुंचे, एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, तो इससे पहला स्टेप ये था, इससे पहला स्टेप ये था, तो इसको मैं इसको पूरे को अगर मैं वापस सिंप्लीफाई करूं, वापस वहीं पहुंचूं, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए ऐसे, और ऐसा भी छोड़ दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5 इसको हम लिख सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको क्लियर है? अभिनव, ऐश्वर्या, आर्यन, यस यस सर, सृष्टि, ईशान, क्लियर है? ठीक यस सर, है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 ना थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आप चाहें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए ना मुश्किल पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ेगा। इसका एक आसान मेथड बताता हूँ, ए और बी लेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप बी और बी लेट करके भी कर सकते हो, लेकिन लंबा मेथड है, मैं तो आसान तरीका बताऊंगा इसका। एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x+5। ठीक है, अब देखिएगा,
हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हम ये चाहते हैं कि एक चीज हमें ये मालूम है कि जब भी कभी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव जो है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन क्या, जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर वन होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो मुझे नीचे मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऊपर लीनियर इक्वेशन, मतलब मैक्सिमम पावर वन है उधर एक्स की। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इसका डिफरेंशियल बन जाए ऊपर, मैं ऐसा करना चाहूंगा। तो इसका डिफरेंशियल ऊपर कैसे बनेगा ये देखते हैं। देखो, अगर 2x² + 6x + 5 है ना, तो हमें क्या करना होगा कि 2x² का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, सिर्फ 2x² का, सिर्फ 2x का 4x होगा, 2x² का, सिर्फ 2x² का डिफरेंशियल होगा 4x। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर ना 4x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, हमने इसको 4 से डिवाइड करा और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1/4 यहां पर है, ऊपर आ गया 4x + 8, अपॉन 2x² + 6x + 5 dx, ये हो गया। अब क्या करना है, अब अगर पूरा जो नीचे वाला टर्म अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इस पूरे का, पहले तो देखा था सिर्फ पहले पहले टर्म का, अब पूरे का देखेंगे। तो 2x² का डिफरेंशियल 4x, लेकिन 6x का डिफरेंशियल 6 होता है, ऊपर तो हमें 8 मिल रहा है, तो 8 को स्प्लिट कर देंगे, क्या करेंगे, 6 + 2 करके लिख देंगे। हाँ, 6 + 2, 2 × 4 नहीं, हाँ भाई, पहला वाला टर्म जो है वो मेरे को अचीव करना होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और जो दूसरा वाला टर्म है वो एड सब्ट्रैक्ट करके अचीव करना होता है। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, ना बिल्कुल नहीं, 4x + 6 + 2 अपॉन 2x² + 6x + 5 इंटू dx। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस क्या करना है, दोबारा से हम देखेंगे। जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो मुझे ये तो समझ में आता है कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव जो आता है वो लीनियर ही आता है, मतलब एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो 2x² का डिफरेंशियल मुझे ऊपर चाहिए, जब पहले टर्म का x² वाले टर्म का जब डिफरेंशियल मुझे ऊपर चाहिए होता है, तो वो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अचीव करता हूँ। तो 2x² का डिफरेंशियल पहले टर्म का क्या होगा, 4x, मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से डिवाइड करा, तो 4 से अकेला x तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, पूरा न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई होगा, तो इस वजह से ये 4x + 8 आ गया। अब जो अगला टर्म है, जैसे 6x है ना, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो वो आएगा 6, तो उस 6 को अचीव करने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर 8 था, तो 8 को मैंने स्प्लिट कर दिया, कैसे, 6 + 2 एडिशन में स्प्लिट कर दिया, बताइए क्लियर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। अब देखिएगा क्या करना होगा, वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन 4x + 6 अपॉन 2x² + 6x + 5 इंटू dx, एक टर्म तो ये, प्लस 2/4 dx अपॉन 2x² + 6x + 5, समझ गए कि नहीं बताओ, समझ में आ गया इतना। यस सर। भाई 1/4 तो था ही ना, 1/4 इसमें भी जाएगा उसमें भी जाएगा, और यहाँ का 2 बाहर निकाल लिया। अभी इसको वैसे चाहे तो काट लो, और जो ये वाला है
इसमें मैं हमेशा ये जानता हूं कि जब भी डिनोमिनेटर में एफ एक्स होता है और न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स होता है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/4 लॉग मॉड एफ एक्स, यानी कि लॉग मॉड 2x² + 6x + 5। बस ये तो हो गया खत्म, प्लस सी वन। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म आई है, इस पूरी टर्म को आप बोल दीजिए बेटा आई वन प्लस 1/2, ये 1/2 है। अब मुझे क्या करना है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे बनाएंगे, फिर वही चीज देखेंगे, भाई x स्क्वायर का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, यहाँ तो 2 है, तो 2 ले लिया कॉमन, 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। ठीक है, और ये जो आया है टर्म, इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा आई टू, नहीं तो बार बार मेरे को वो लिखना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं इसको आई टू बोल रहा हूँ। तो आप देखिए आई टू कितना हो जाएगा, आई टू इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 3x है अगला टर्म, अगला टर्म 3x है, लेकिन मुझे तो 2x चाहिए होता है, तो मैं लिखूंगा 2x, लेकिन 3x चाहिए मुझे, तो क्या लिखेंगे उसको, 3/2, 3/2, तभी तो वो ओरिजिनली जो 3x था तभी तो वो आएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ओरिजिनली वही जो 3x था वो आ गया। अब 2x, 2 into x into 3/2 है ना, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करो और 3/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करो, और लास्ट टर्म क्या थी बेटा, 5/2। यहां कर लीजिए ब्रैकेट क्लोज, यहां तक सबको समझ में तो आ रहा है, बताइए। Yes, बाकी बच्चे भी बताएं भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। आई टू इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9/4 प्लस 5/2। ठीक है, प्लस 5/2 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, अच्छा इधर माइनस, चलो माइनस ले लिया कॉमन, ठीक है, और एलसीएम हो गया इधर 4। ठीक, तो 4 1 4, 1 9 9, तो प्लस का 9, माइनस कॉमन लिया तो बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 2 4, 2 2 4 और 2 5 10, समझ रहे हैं? तो 9 - 10 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, एक्स प्लस 3/2 का, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर देखिए 9 - 10 हो गया -1, -1/4, -, प्लस, तो प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, ताकि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/a, ए क्या है, 1/2, सिर्फ 1/2, तो 1/1/2 टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टैन इनवर्स एक्स प्लस 3/2 अपॉन 1/2, वो प्लस सी वन था, यहां बोल दिया प्लस सी टू, यहां 2 1 2 2 2 4,
और ये जो टैन इनवर्स के अंदर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका एलसीएम लेकर और कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा ऊपर और नीचे टू, टू से टू काट देना। हाँ तो ऊपर क्या हो गया, टू एक्स प्लस थ्री और नीचे वन बाई टू है। तो आई टू इज इक्वल टू वन बाई टू टैन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री आ गया बस प्लस सी टू। देयरफोर I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब आई वन कितना है, वन अपॉन फोर लॉग हाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव और प्लस सी वन अब लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस आई टू कितना है, वन अपॉन टू टैन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री। ऐसे यहां पर प्लस सी टू लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लस सी वन और प्लस सी टू दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलकर सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिख दो, बस ये हो गया। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था। अब एग्जांपल नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट अभी देखता हूँ, बस एक मिनट का टाइम दीजिए। और आप में से कुछ बच्चे अगर खुद ट्राई करना चाहें तो खुद ट्राई करिए, और नहीं तो रुक जाना, पहले ये एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। आगे अगली एक्सरसाइज में बहुत है ऐसे क्वेश्चंस, करना खुद से ट्राई। ये है इंटीग्रेशन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है? तो जब अंडर रूट में होता है तो फिर वो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फंडा लगेगा, नहीं? ठीक है, लेकिन अप्रोच हम वही लेकर चलेंगे। बस दो मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ इसको आगे। अब 4x का जो डिफरेंशियल है वो क्या होगा, वो 4 मिल जाएगा ऊपर हमको, ठीक है? तो यहाँ पर है 6, तो 6 को 4 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अचीव करते हैं, तो 4 प्लस 2, 6 को लिख देंगे 4 प्लस 2। तो I इज इक्वल टू हाँ वन अपॉन टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूट माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव dx। मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार लिया इसमें, प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन टू अपॉन अंडर रूट माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। ये बताइए पहले यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये जो अलग अलग इसको स्प्लिट कर रहा है, यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। यस सर। कौन सा? हाँ ये तो टू से टू तो कट गया, ये वाला तो कट गया। मैं तो पूछ रहा हूँ कि समझ गया ना यहाँ तक। अब जो यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन है, पहले इंटीग्रल को आई वन बोल दो और दूसरे इंटीग्रल को आई टू बोल दो, दोनों को अलग अलग स्प्लिट करके अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई वन देखिएगा क्या होगा, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूट,
अब ये जो माइनस कॉमन लिया है ना, इसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली मुझे, इसकी जरूरत मुझे इसमें सेकंड वाले में पड़ने वाली है, तो इस माइनस को अंदर ही कर दो मल्टीप्लाई चाहे तो। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव डी एक्स। अब क्या करिए, लेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इधर से लिया माइनस कॉमन, तो ये हो गया टू एक्स प्लस फोर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, फिर माइनस को उधर ले जाओ, टू एक्स प्लस फोर डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस डी टी, ठीक है। तो आई वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस फोर डी एक्स, ये क्या हो गया माइनस डी टी, तो देखिए माइनस डी टी, और अपॉन अंडर रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, तो अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है पूरा टी है, अपॉन में रूट टी, ठीक है। अब माइनस तो बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी। अब टी की पावर माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा, इस तरफ कर रहा हूं, तो I1 is equal to minus 1 by 2 t की पावर माइनस 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 plus C1 minus 1 by 2। अब 1 minus 1 by 2 क्या हो गया, t की पावर 1 by 2 upon में 1 by 2, अब इस 2 से 2 cancel out हो गया प्लस सी वन, तो ये बचा बेटा आई वन इज इक्वल टू माइनस टी की पावर वन बाई टू, टी कितना है ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, तो बाहर माइनस है और वन बाई टू का मतलब यही माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव प्लस सी वन। आई वन तक सबको समझ में आ गया कि नहीं बताइए, सबको क्लियर है? अर्श, ईशान, यस सर, यस सर, यस, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद में अब आते हैं हम आई टू पर। आई टू ध्यान से समझना, आई टू है हमारे पास अब इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस वन को बाहर ही रहने देना इसमें, क्यों, क्योंकि अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसमें माइनस वन बाहर है। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव क्या करें, एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स लिख देते हैं, तो टू इंटू एक्स, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगी, फोर एक्स आ जाए टू, तो फिर टू का स्क्वायर ही ऐड करो और टू का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करो, और अगला कॉमन कॉन्स्टेंट नंबर क्या, माइनस फाइव, ब्रैकेट बंद करिए। आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये माइनस वन है, एक्स का ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर, माइनस फोर माइनस फाइव क्या हो गया माइनस नाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस थ्री का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब जो माइनस वन कॉमन लेने का हमारा पर्पस था वो खत्म हो गया, अब माइनस वन को अब कर दो अंदर मल्टीप्लाई, परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई जरूर करना है, क्योंकि माइनस वन कॉमन लिए बिना मैं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना सकता, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर अब बना लिया, अब माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये होगा सब कुछ अंडर रूट के अंदर ही,
तो आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, अब ये प्लस बन जाएगा, थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, देखना पड़ रहा है, सीधा लिखिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक। तो आई टू इज इक्वल टू एक्स कितना है एक्स प्लस टू और ए कितना है थ्री, एक्स प्लस टू अपॉन थ्री प्लस सी टू, ये आई वन आ गया ये आई टू आ गया, देयर फोर आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो आई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन थ्री और प्लस सी, प्लस सी वन प्लस सी टू, वही हमारा कॉमनली क्या हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है जी। बताइए सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी इतना करिए, इसके एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए, आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 7.4 के आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कर लेंगे, होमवर्क है एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 12, ये करना है सभी को, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, कल फिजिक्स की है क्या, मैथ्स की तो है, हाँ मैथ्स की है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। नमस्ते। ओके नमस्ते। ओके।